हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HB स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मस्ट हैव का प्रयोग। मस्ट हैव का प्रयोग इसमें होता क्या है कि जो भी सेंटेंस होगा ऐसा तो फील होगा कि फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन फ्यूचर की बातें तो नहीं होगी, बातें होगी पास्ट की होगी। और जो भी सेंटेंस होगा मे हैव का प्रयोग पढ़े हुए, वीडियो में अपलोड हो चुका है, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, सेम वही रहेगा। मे हैव का जो प्रयोग है सेम टू सेम मस्ट हैव का ही वही रहेगा, चेंज सिर्फ यही होगा इसमें मस्ट हैव में अवश्य शब्द डाला गया है, यानी कि उसमें जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस में अवश्य शब्द को ऐड कर दिया गया है। इसमें जैसे कि देखिए, आपने मेरा नाम अवश्य सुना होगा, यानी कि ये बात को बताया जा रहा है कि आपने मेरा नाम अवश्य सुने हैं, सुन लिए हैं, इसमें हमारा व्यक्ति नहीं किया जा रहा, एकदम बिल्कुल करेक्ट कह दीजिए कि आपने मेरी बात को सुन लिया होगा। उसके बाद वह स्वामी विवेकानंद का नाम अवश्य सुना होगा, तुम सुबह सुबह रामायण अवश्य पढ़े होगे, दादाजी समय से चाय पी लिए होंगे। इसमें जो भी सेंटेंस है ना, देखिए सब सेंटेंस में अवश्य आया है, जो भी सेंटेंस है अवश्य आया है, उसके बाद वर्ब के बाद होगा होगी आया है, ये ना समझिएगा फ्यूचर है, ये पास्ट की बातें की जा रही है। सेंटेंस के अंत में तो होगा होगी है ऐसा फील हो रहा है फ्यूचर है, लेकिन ये फ्यूचर नहीं है। देखिए, आपने मेरा नाम अवश्य सुना होगा, सब्जेक्ट मेरे भैया पहले यू लिखिएगा, यू के बाद लिखिएगा मस्ट हैव बाबू MB3 सुनना का थर्ड फॉर्म बाबू हर्ड, क्या सुने हैं तो हर्ड माई नेम। वह स्वामी विवेकानंद का नाम अवश्य सुना होगा, ही मस्ट हैव हर्ड में बाबू सब्जेक्ट लिखने के बाद मस्ट है वर्ब लिखिएगा, पीछे से आइएगा, हर्ड हो गया, क्या सुने हैं तो द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। तुम सुबह सुबह रामायण अवश्य पढ़े होगे, यू मस्ट हैव बाबू पढ़ना थर्ड फॉर्म रीड, क्या पढ़े बाबू द रामायण अर्ली इन द मॉर्निंग। दादाजी समय से चाय अवश्य पिए होंगे, द ग्रैंड फादर मस्ट हैव टेकन टी इन टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अरमान इस पाठ को अवश्य पढ़ा होगा, अरमान मस्ट हैव पढ़ना रेड दिस लेसन। तुम्हारे मेहमान खाना अवश्य खा लिए होंगे, योर गेस्ट्स मस्ट हैव
eaten food. तुम लोग मेरा वीडियो अवश्य देखे होगे। इस सेंटेंस का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना न भूलें, ताकि मैं आप लोग के लिए इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो बना सकूं।